वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे शताब्दी ट्रेन के ऊपर। शताब्दी ट्रेन हमारे अभी इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में आती है और मेजर ट्रेन्स दिल्ली से चलती हैं। क्या आप जानते हैं इस ट्रेन का नाम शताब्दी एक्सप्रेस क्यों पड़ा और ये कब से स्टार्ट हुई? चलिए मैं बताता हूँ आज आपको। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में स्टार्ट हुई थी। हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म का 100वां साल होने जा रहा था और उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर थे श्री माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने ये ट्रेन स्टार्ट की थी। और फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी 1988 में। और उसके बाद ऑलमोस्ट आज करीब 26-27 ट्रेन चल रही हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि हम दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस से कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अमृतसर घूमना चाहते हैं तो दिल्ली से अमृतसर दो ट्रेन चलती हैं, शताब्दी एक्सप्रेस मॉर्निंग और आफ्टरनून। शिमला घूमने का प्लान है तो यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली से कालका, और कालका से फिर आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, टॉय ट्रेन, और बाय कार बाय बस जा सकते हैं। नैनीताल घूमने का प्लान है तो दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से काठगोदाम, और काठगोदाम से बाय टैक्सी आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। अजमेर जयपुर घूमने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से चलती है अजमेर शताब्दी, आप जयपुर अजमेर घूम सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस से। मसूरी घूमने का प्लान है तो आप दिल्ली से देहरादून शताब्दी चलती है वहाँ जा सकते हैं। लखनऊ घूमने का अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो दिल्ली से लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है, दिल्ली से कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, और आज अगर आप आगरा ग्वालियर भोपाल घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो शताब्दी एक्सप्रेस जा सकते हैं भाई भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। और पंजाब में एक जगह है मोगा, तो दिल्ली से मोगा भी शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है। और पंजाब में ही एक जगह है फिरोजपुर, दिल्ली से फिरोजपुर वहाँ भी शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। इसी क्रम में दिल्ली से ट्रेन चलती है लुधियाना, आप लुधियाना अपना घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस से। और आप जयपुर से आगरा शताब्दी एक्सप्रेस चलती है तो आप जयपुर से अगर घूमना चाहें तो आगरा शताब्दी एक्सप्रेस से घूम सकते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन है और कंफर्टेबल जर्नी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी आप यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो ये मेन टूरिस्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी हॉलिडे प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर में। और भी कुछ ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू, टिल देन अपनी यात्रा बनाइए। अगर मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट बिलो, आई कैन हेल्प यू टू मेक योर ट्रैवल प्लान।